विशाल भारद्वाज भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध संगीत गीतकार पटकथा लेखक और निर्देशक हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था। उनका बचपन मीरठ में गुजरा। पिता के चाहने पर उन्होंने संगीत सीखा। दिल्ली आने पर एक दोस्त की वजह से उनकी संगीत में दिलचस्पी भी हुई। शुरुआती दौर में उन्होंने पैन म्यूजिक रिकॉर्डिंग कंपनी में भी काम किया। तभी दिल्ली में उनकी मुलाकात गुलजार साहब से हुई। गुलजार के साथ उन्होंने चड्डी पहन के फूल खिला है गीत की रिकॉर्डिंग की। ये वही गीत है जो बच्चों के खास तौर से पसंद किए गए मोगली सीरियल में आती थी। उसके बाद से उन्हें माचिस के लिए संगीत बनाने का मौका मिला। विशाल निर्देशित पहली फिल्म मकड़ी थी। इसके बाद उन्होंने शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ पर आधारित फिल्म मकबूल बनाई। मकबूल को बर्लिन फिल्म समारोह सहित कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जगह मिली। मेरे महबूब के घर रंग है, रंग है। वर्ष 2006 में उन्होंने शेक्सपियर द्वारा रचित नाटक ओथेलो पर आधारित फिल्म ओमकारा निर्देशित की। विशाल भारद्वाज ने इस फिल्म में निर्देशन और पटकथा लेखन के साथ साथ फिल्म में संवाद भी दिया था। लज्जू घर से हमारी लाश ब्याह कर ले जाएगा। इस जन्म में तो तुम्हारी हिम्मत होगी नहीं, तो हम ही कह देते हैं जी बस। हम सिर्फ तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। अपने कत्लों की फेरिस्त में हमारा नाम भी जोड़ लेना। I love you, yours forever. ओमकारा के लिए विशाल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2007 में उनकी फिल्म कमीने प्रदर्शित की गई। इस फिल्म को दर्शकों से लेकर आलोचक सभी की प्रशंसा मिली। वर्ष 2010 में आई अभिषेक चौबे निर्देशित फिल्म इश्किया थी, जहां पे उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया, संवाद लिखे, संगीत और पटकथा भी लिखी थी। कुछ ऐसे ही बेहतरीन काम की वजह से जाने जाते हैं विशाल भारद्वाज। एक छोटे से जिले से वो आते हैं, लेकिन उनकी सोच और इनकी सिनेमा की समझ को आज धीरे धीरे लोग पहचान रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। देखा देखी तनिक हो जाए वे हमरी अटरिया पे हजारे सवरिया। देखा देखी तनिक हो जाए। और आज इसी टैलेंटेड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर का बर्थडे है। आज उनके जन्मदिन पर ताजा टीवी की तरफ से हम उन्हें देते हैं ढेर सारी बधाइयां।